आपको इसके पिछले भी वीडियो में बताया था कि रॉक्स साइकिल क्या होता है, उसमें आप बता रही थे कि इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में बता दिए थे। अब आपको इसके बारे में बताएंगे कि इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स का क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण इसके बारे में बताएंगे और सभी क्लासिफिकेशन के आगे कौन कौन से इसके अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये चीज़ आपको बता दें कि इग्नियस रॉक्स कैसे बनता है, ये चीज़ आपको बता दिए। जैसे जब मोल्टन मैग्मा ठंडा हो जाता है, ठंडा होकर के ठोस पिंड के रूप में हो जाता है, तो उसी को हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं। तो इसका वर्गीकरण मुख्यतः, तो सबसे पहले देखेंगे रॉक्स का, तो तीन तरीके से क्लासिफिकेशन, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब हम देखते हैं कि इग्नियस रॉक्स का क्लासिफिकेशन, तो इसका दो तरीके से करते हैं, एक होता है उत्पत्ति के आधार पर और एक होता है कि रासायनिक दृष्टिकोण, या उसको हम कह सकते हैं कि सिलिका परसेंटेज के अकॉर्डिंग, दो तरीके से इसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका है वो आपका होता है क्या, इग्नियस रॉक्स में उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर होता है, एक अभी आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि इस उत्पत्ति के आधार पर दो होता है, एक अंतस्थ और एक बाह्यस्थ। जब ज्वालामुखी का उद्गार पृथ्वी के ऊपरी सतह पर होता है, यानी का अर्थ क्या है, ऊपरी सतह पर समतल पर आकर के यहाँ ठंडा होकर के एक ठोस पिंड बना लेगा, क्या होगा, एक ठोस पिंड बना लेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, बायसेप्टान, या इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्ट्रिसु ब्राक्स बोलते हैं। और जब ये उद्गार हो और अंदर ही ये ठोस पिंड का रूप धारण कर ले, जैसे ये सतह है, इसके अंदर ही ये ठोस पिंड रूप धारण होकर ठंडा होकर के ठोस पिंड बना लेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, अंतस्थ चट्टान कहते हैं, या इसी को इंट्रूसिव ब्राक्स कहते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर इग्नियस में दो प्रकार का हो गया, एक आपका हो गया बायस्थ और एक हो गया क्या, अंतस्थ, मतलब एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक्स के रूप में होगा। दूसरा होता है यहाँ पर कि रासायनिक दृष्टिकोण में, इसमें आपका है जैसे एसिडिक, इंटरमीडिएट और बेसिक, मतलब ये तीन तरीके से होगा जो रासायनिक दृष्टिकोण से इसको क्लासिफाइड करते हैं। तो एसिडिक में ज़्यादातर कम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि एसिडिक रॉक का एग्जाम्पल क्या होगा, ग्रेनाइट होता है। और एसिडिक रॉक में सिलिका का परसेंटेज किसका है, सिलिका के परसेंटेज, यहाँ पर जो सिलिका का परसेंटेज मतलब 65 से 85%, इसका क्या होगा, सिलिका का परसेंटेज अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग अगर 65 से 85% सिलिका है तो आपका क्या होगा, वो एसिडिक रॉक होगा, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो होता है वो ग्रेनाइट होता है। दूसरा होता है इंटरमीडिएट जो रॉक्स होता है, इसमें क्या होगा, इसमें सियनाइट और डायोराइट, इसके दो बेस्ट एग्जाम्पल हैं जो ज़्यादातर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें जो सिलिका होता है वो 60 से 65% तक इसमें सिलिका मुख्य रूप से उपस्थित होता है। अगला होता है फिर आपका बेसिक रॉक्स, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बेसाल्ट, इसमें सिलिका जो होता है ये लगभग 45 से 55% तक इसमें सिलिका पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये एसिडिक, इंटरमीडिएट और बेसिक, तीन तरीके से इसके क्लासिफाइड, इसको आप इग्नियस रॉक्स को कह सकते हैं। तो इसमें दो तरीके से हो गया, एक उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार का, उसमें एक बायसेप्टान मतलब एक्सट्रूसिव रॉक, दूसरा अंतस्थ जिसको हम इंट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। और इसके बाद में फिर आपका सिलिका के आधार पर या रासायनिक दृष्टिकोण से तीन, एसिडिक, इंटरमीडिएट और बेसिक, ये आपका होता है। दूसरा आपका होता है सेडिमेंट्री का रॉक्स का निर्माण कैसे होता है, जब इग्नियस रॉक्स का क्या होता है, वेदरिंग होता है। जब इग्नियस रॉक्स का क्या होगा, वेदरिंग होगा, मीन्स क्या होगा, अपक्षय होगा। तो अपक्षय होने के बाद सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। अब सेडिमेंट्री रॉक्स के निर्माण में इसमें मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली और केमिकली, तीन तरीके से, मतलब भौतिक, जैविक और रासायनिक, तीन तरीके से इसका होता है। भौतिक चीज़ें, जैसे जो चीज़ भौतिक होता है, जो चीज़ हम प्रत्यक्ष रूप से जिस कार्य को हम कर रहे होते हैं, तो अगर देखेंगे कि भौतिक में क्या क्या आ जाएगा, इसका मेन एग्जाम्पल जो होगा सैंडस्टोन, क्ले, या आपका फिर सैंड, ये सब इसके क्या होते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं, मतलब भौतिक तरीके से चट्टानों का। फिर रासायनिक क्रियाओं के द्वारा रॉक्स का निर्माण होता है, इसके अंतर्गत जो
बेस्ट इसके एग्जांपल आएंगे ऑर्गेनिकली में, इसमें लाइमस्टोन, कोल, पीट, मग, ये सब इसमें मुख्य तौर पर आ जाते हैं। अगर देखते हैं कि केमिकली में क्या आता है, तो जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है जिप्सम, चाक या साल्ट रॉक, ये सब इसके बेस्ट एग्जांपल के रूप में माने जाते हैं। अगला यहाँ पर है कि मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक मतलब हम बताए थे इसका हिंदी क्या होता, रूपांतरित चट्टान। तो जैसे अब इसका अगर निर्माण होगा तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हीटिंग एंड प्रेशर के द्वारा, इसके द्वारा हीटिंग एंड प्रेशर मतलब ताप और उसके बाद में दाब, ताप और दाब के द्वारा फिर किसका निर्माण होगा, मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण होता है। तो यहाँ पर तो तीन आपका हो जाएगा, इसमें आपका हो जाता है हाइड्रो मेटामॉर्फिक मतलब जल के द्वारा, थर्मो और फिर डायनमो, थर्मो मतलब ये आपका ताप के द्वारा फिर दाब के द्वारा, ये तीन क्रियाओं के द्वारा मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण होता है। क्योंकि मेटामॉर्फिक का नाम ही है रूप परिवर्तन, क्या इसका नाम है, रूप परिवर्तन। तो यहाँ क्या होता है कि रूप का परिवर्तन हो जाना, जैसे सपोज करो कि आपका ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट काफ़ी समय तक इसका अगर दबा रहा तो इसका क्या होगा, रूप का परिवर्तन। तो यहाँ पर रूप परिवर्तन, तो इसका जो हाइड्रोमेटामॉर्फिक का जो बेस्ट एग्जाम्पल होगा वो होता है माइका। उसके बाद में फिर थर्मोमेटामॉर्फिक, अब थर्मोमेटामॉर्फिक में होता है क्या, इसे मार्बल। उसके बाद में फिर डायनमोमेटामॉर्फिक होता है, इसका होता है आपका सिस्ट या जेंसिस, ये इसका मुख्य तौर पर एग्जांपल माना जाता है। तो इस प्रकार से पूरे रॉक्स का क्लासिफिकेशन आप कह सकते हैं। एक बार पुनः आप देख लें इसको, सबसे पहला होगा इग्नियस रॉक्स, अग्नि चट्टान का निर्माण कैसे होता है, जब मैग्मा ठंडा होता है, ठंडा होकर के ठोस पिंड बना लेता है तो उसको हम अग्नि चट्टान कहते हैं। इसका हम क्लासिफिकेशन दो तरीके से करते हैं, एक उसके उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर यहाँ पर आपका हो जाएगा दो प्रकार से, एक आपका बायस्ट और एक अंतः चट्टान। इसके बाद में फिर आपका होता है सिलिका के आधार पर, इसमें एसिडिक, इंटरमीडिएट और बेसिक जो इसके मुख्य एग्जांपल होते हैं। फिर आपका होता है सेडिमेंट्री, यहाँ पर कुछ क्या होता है कि भौतिक तरीके से चट्टानों का निर्माण होता है, क्या भौतिक तरीके से, जैसे आपका जल है ये भौतिक मेरे प्रभाव में आएगा, इफेक्ट में आएगा। उसके बाद में फिर ऑर्गेनिकली जो जीव जंतुओं के द्वारा चट्टानों का टूटने फूटने का निर्माण होगा। उसके बाद में केमिकली जो रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ चट्टानों का अगर विघटन होता है वो उसे क्या होते हैं, टूटते हैं, या उससे अन्य चट्टानों का रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप अगर कुछ चट्टानों का निर्माण होता है तो रासायनिक चट्टान के फलस्वरूप में आते हैं। तो यहाँ जो जैविक प्रभाव के द्वारा, इसमें जैविक शक्तियों के द्वारा बनेंगे जो चट्टान, उनको हम जैविक, जो मैकेनिकली जो भौतिक तरीके से, और केमिकली जो रासायनिक दृष्टिकोण से जिन चट्टानों का अगर निर्माण होता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक हिंदी क्या होगा, रूप परिवर्तन। तो रूप परिवर्तन में होगा, इसमें दो प्रक्रियाएं सबसे ज़्यादा ताप और दाब, इनका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से हाइड्रोमेटामॉर्फिक, थर्मोमेटामॉर्फिक और डायनमोमेटामॉर्फिक, ये तीन प्रक्रियाएं होती हैं, उन तीन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप इन चट्टानों के द्वारा, इन खनिजों का आप कह सकते हैं कि निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आप ये चीज़ जानते हैं कि अगर किसी सॉयल का निर्माण होता है तो सॉयल के निर्माण में सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया होती है, सबसे पहले किसका निर्माण होगा, रॉक्स का निर्माण होगा। तो सबसे पहले हम क्या पढ़े, रॉक्स पढ़े कि रॉक्स क्या होता है, रॉक्स का निर्माण कैसे होता है, फिर बाद में क्या होता है, रॉक्स का वेदरिंग होता है, क्या होता है इसका वेदरिंग होता है, मतलब रॉक्स का अपक्षय होता है, और अपक्षय के बाद फिर किसका निर्माण होगा, यहाँ पर पैतृक पदार्थ का निर्माण होता है, किसका होता है, पैतृक पदार्थ का, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, पैरेंट मटेरियल, क्या कहेंगे इसको, पैरेंट मटेरियल। अब जब इस पैरेंट मटेरियल के ऊपर, इस पैतृक पदार्थ के ऊपर किसका होता है, सॉयल फार्मिंग प्रोसेस, किसका निर्माण होगा, सॉयल फार्मिंग प्रोसेस मतलब मृदा निर्माणकारी प्रक्रिया, मृदा निर्माणकारी प्रक्रिया का अगर प्रकोप होता है इसके द्वारा फिर किसका निर्माण होगा, सॉयल का निर्माण होता है, और इस प्रकार से फिर सॉयल प्रोफाइल के रूप में ये क्या होता है, संश्लेषित
हो जाता है। तो अभी तक हम लोग राक्ष पढ़ रहे थे, राक्ष का पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ें। अब इसके बाद में अगला टॉपिक जो होगा वो होगा वेदरिंग, और वेदरिंग के बाद अपक्षय के बाद कैसे पायरेट मटेरियल का निर्माण होता है। अगले टॉपिक में फिर हम लोग पढ़ेंगे कि सॉइल फॉर्मेशन मीन्स मृदा का निर्माण कैसे होता है, और फिर लास्ट में पढ़ेंगे कि सॉइल प्रोफाइल कैसे, ये प्रोफाइल के रूप में परत दर परत ये मृदाएँ कैसे संश्लेषित होती हैं, इसके बारे में हम लोग पूरा अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो इससे और सारे वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।